स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं लीडरशिप होता है क्या। तो एक चीज यहाँ पे मेंशन है, क्या मेंशन है आपका, लीडरशिप इज ए प्रोसेस। हाँ, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि लीडरशिप क्या प्रोसेस है, क्या प्रिंसिपल है, क्या ये आपका एक तरह से थ्योरीज है, क्या है आपका। तो लीडरशिप आपका एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। आप यहाँ पे क्लियर हो जाओ बिल्कुल, ये क्या है आपका, प्रोसेस है, फिर एक्टिविटी है। इसके द्वारा क्या होता है, लीडरशिप इज द प्रोसेस बाई विच इज द एग्जीक्यूट डायरेक्ट गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर। यानी कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, एग्जीक्यूट डायरेक्ट, यानी कि आपको क्या किया जाता है, तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, और साथ ही साथ आपको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, और साथ ही साथ आपके बिहेवियर एंड आपके वर्क अदर्स। यानी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि लीडरशिप वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी दूसरे पर्सन को मोटिवेट किया जाता है, उसके बिहेवियर को चेंज किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है, उसको एक तरह से उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, फंक्शन ऑफ द लीडर, फॉलोअर एंड सिचुएशनल वेरिएबल। यानी कि मैंने ये बताया, जो आपके फॉलोअर हैं उनके लाइफ में क्या होता है, सिचुएशन वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। तो लीडर क्या करता है, उनके सिचुएशन को समझता है, और सिचुएशन समझने के बाद उनको क्या करता है, एक तरह से फंक्शन करता है, यानी कि उनको एक तरह से अच्छा रास्ता दिखाता है कि आप अपने टारगेट को कैसे प्राप्त कर सकते हो, आपके टारगेट को प्राप्त करने के बीच में जो जो प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको कैसे एक तरह से हैंडल कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है, चलो आगे देखते हो। मैंने आपको अभी बताया जो लीडरशिप होता है आपको टीम वर्क के लिए प्रेरित करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको कॉम्पिटेंस करता है, आपको स्किल प्रोवाइड करता है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको ये एहसास दिलाता है कि आपकी जो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको कैसे निभा सकते हो। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन आपसे करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज है, आपको आगे कैसे बढ़ सकते हो। फिर आपके अंदर जो पावर है, आपके पावर को आपको एनालिसिस कराता है कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप इस पावर का यूज करके अपने लाइफ को बिल्कुल सक्सेसफुल बना सकते हो। साथ ही साथ आपको सपोर्ट करता है कि आप अपने टारगेट को कैसे प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है, चलो आगे देखते हो। हाँ, मैंने अभी आपको बताया जो लीडरशिप होता है ये आपका किसी तरह से प्रिंसिपल नहीं है, ये आपका ये क्या है, एक प्रोसेस है जो आपको क्या करता है। जैसे ये देखो, इन्होंने क्या किया, पानी दे रहे हैं, यानी कि आपको एक तरह से मोटिवेट करता है, आपको प्रेरित करता है, जिससे आप एक तरह से आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सको। दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे आपका लीडरशिप आपको ये दिखाया कि देखो फ्यूचर में आने वाला विजन क्या है, आप फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ोगे, आपका जो टारगेट है, आपका जो एम है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो लीडरशिप ये करता है। तीसरे नंबर पे क्या मेंशन है, लीडरशिप का मेन एम क्या होता है, कि आपका जो टारगेट है, आपका जो एम है, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको आप अच्छे से कैसे प्राप्त कर सकते हो। आप एक तरह से एनालिसिस करो कि आपके सामने जो प्रॉब्लम आने वाली है उस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हो, प्रॉब्लम जो आने वाली है उस प्रॉब्लम को अपने स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि जो आपकी वीकनेस है आप अपने वीकनेस को अपने अपॉर्चुनिटी में, अपने स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज भी आपका लीडरशिप ही बताता है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं, इसके टाइप वगैरह देख लेते हैं, लीडरशिप के हमारे टाइप क्या होते हैं। तो ऐसे तो आपके लीडरशिप के बहुत ज्यादा टाइप होते हैं, पर कुछ आपके होता है ना बेसिक चीज, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका कुछ बेसिक आप होता इनमें है, से कुछ कौन जो से उसके लीडरशिप मेन स्टाइल पार्ट में होते आते हैं वो तो हो, होता ही है। कमेंट बॉक्स में तो जो जवाब आपके दो। लीडरशिप है इसके बेसिक आपके चार टाइप के हैं। कितने हैं, चार टाइप के हैं। ऐसे तुमने अगर देखा तो तीन टाइप के हैं, पर ये चौथा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका अदा करता है। ठीक है, तो पहले में देखते हैं, इसका नाम है आपका ऑटोक्रेटिक, इसका दूसरा नाम क्या आपका अथॉरिटेरियन। ठीक है, क्या है, अथॉरिटेरियन, या फिर इसका जो दूसरा नाम आपका ऑटोक्रेटिक। ठीक है, दूसरा आपका लीडरशिप हो गया डेमोक्रेटिक, यानी कि ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, और तीसरा आपका है लेजेस फेयर्स। ठीक है, और ये जो है ना, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैटर्नलिस्टिक जो लीडरशिप होता है ये भी बेस्ट माना जाता है। ठीक है, पहला हो गया आपका ऑटोक्रेटिक, दूसरा आपका डेमोक्रेटिक, तीसरा आपका लेजिस्फेयर, और चौथा आपका है पैटर्नलिस्टिक। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं कि
ऑटो क्रेडिट में क्या होता है, डेमो क्रेडिट में क्या होता है, लेजिस फेयर में क्या होता है और पैटर्न लिस्टिक में क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑटो क्रेडिट डीडरशिप के बारे में। तो ये चीज क्या होता है, ये जो लीडर होता है ना, आप आपके सामने जब एक चीज लिखा आएगा, क्या क्लोज कंट्रोल या फिर स्टिक, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आप किसके साथ सीधे जाओगे, तो आप जाओगे ऑटो क्रेडिट लीडरशिप के बारे में। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपका ऑटो क्रेडिट जो लीडरशिप होता है ना, वो क्या चाहता है, जो उसने एक बात बोल दिया, जो उसने डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को जो उसके नीचे के जो फॉलोअर हैं, जो उसके नीचे काम करने वाले हैं, बिल्कुल उसके जो फैसला है उसको, फैसले को मान लें। इसको कोई काम दिया गया, इसने बोल दिया कि ये मुझे करना है, तो इसके फैसले में, इसके डिसीजन में इसके नीचे जो फॉलोअर है वो कुछ नहीं करने वाले हैं। इसने अगर बोल दिया ये चीज है तो ये चीज है, इसने फैसला ले लिया कि ये काम मुझे करना है तो करना है, ये डिसीजन लेने के लिए अपने फॉलोअर से, अपने नीचे काम करने वाले से किसी से डिसीजन नहीं लेता है, किसी से डिस्कस नहीं करता है, किसी से पूछता नहीं है, ये अकेला लेता है, ये डिसीजन अकेला लेता है। और साथ ही साथ इसके जो नीचे काम करने वाले, इसके नीचे जो फॉलोअर है, उनको क्या करता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता है उनके ऊपर, क्या करता है उनके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता है। और साथ ही साथ क्या होता है, उनको बिल्कुल एक तरह से क्लोज कंट्रोल, उनको कंट्रोल करके रखता है कि मेरे जो मैं डिसीजन मिले, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इस डिसीजन में किसी तरह से ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, तो आपको ऑटो क्रेडिट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डेमोक्रेटिक, जब भी आपके सामने आए डिसीजन मेकिंग, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आप सीधे जाओगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप के साथ। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डेमोक्रेटिक लीडर आपके वो होते हैं जो जो ने डिसीजन लेना होता है खुद तो लेते लेते हैं, साथ ही साथ जो इनके फॉलोअर हैं, जो इनके नीचे काम करने वाले हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। उनसे डिस्कस करने के बाद जो वास्तव में जो रियल डिसीजन होता है, उस डिसीजन को लेते हैं। ये डिसीजन अकेले नहीं लेते हैं। ऑटोक्रेटिव में क्या था, इसने डिसीजन खुद लेना था, इसको अकेले लेना था, ये अपने फॉलोअर से कोई डिस्कस, कोई एक तरह से परामर्श नहीं ले रहा था। पर डेमोक्रेटिव में क्या है, ये डिसीजन तो लेगा पर ये खुद नहीं लेता, इसके नीचे जितने भी फॉलोअर है, जो भी काम करने वाले हैं, उनसे डिसीजन लेता है, उनसे डिस्कस करता है। डिस्कस करने के बाद जो वास्तव में जो डिसीजन लेना होता है, उस डिसीजन को फिर ये लेता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेंशन है, शेयर द डिसीजन मेकिंग विद ग्रुप मेंबर, यानी जो भी ग्रुप मेंबर है उनसे क्या करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए शेयर करता है कि आप इसमें राय दो अपना, इसका क्या होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर है, यहां तक डाउट किसी को? चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लार्जेस्ट फेयर। ठीक है, लार्जेस्ट फेयर और पैटर्न लिस्टिक बारे में। तो लार्जेस्ट फेयर क्या होता है, मैं इसके बारे में बता दूं, बहुत प्यारा लीडरशिप भी देखा जाए तो। इसका जो लीडर होता है ना आपका, ये बस एक मैसेज के काम करता है। किसका काम करता है, मैसेज का काम करता है। ये मैसेज अपने जो नीचे फॉलोअर है उनको ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद ये उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिखाता, ये क्या है, अपने नीचे जो फॉलोअर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको क्या किया, इसने मैसेज ट्रांसफर कर दिया। ये बस मैसेज देने का एक जरिया है। क्या है, ये एक मैसेज देने का जरिया है। अपने नीचे वालों क्या करता है, मैसेज दे देता है उनको, किसी तरह से वो डायरेक्शन नहीं दिखाता, उनको ये नहीं पता था कैसा करना है, क्या करना है। इसने क्या किया, जो भी मैसेज है अपने नीचे फॉलोअर वालों को ट्रांसफर कर दिया। और उस पर क्या डिसीजन लेना है, उस काम को कैसे करना है, ये सब कुछ इसके नीचे वाले करते हैं। हाँ, पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो इसके नीचे के जो फॉलोअर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो आपके एजुकेटेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, वो पढ़े लिखे होने चाहिए। क्यों भाई, देखो ये क्या है, इसने तो अपने मैसेज अपने नीचे वाले को दे दिया। अगर नीचे वाला जो पर्सन है, जो मेंबर है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या पता उस काम को अच्छे से करे या ना करे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो इस लीडर का एक एक खास बात ये है, आपसे ये पूछा जाता है कि जो नीचे जो फॉलोअर है आपके एजुकेटेड होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो इसके जो नीचे के फॉलोअर है आपके एजुकेटेड होने चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जाता है बार बार। तो क्या आपका टास्क आर गिवेन टू द फॉलोअर विद द लिटिल या फिर नो डायरेक्शन, यानी जो इसका जो आपका लीडर होता है ना, ये इसने क्या किया, अपने नीचे फॉलोअर वालों को एक तरह से मैसेज दे दिया, एक तरह से मैसेज देने का जरिया है, और उनको कोई तरह से डायरेक्शन नहीं दिखाता, वो डिसीजन कैसे लेंगे, काम कैसे करेंगे, उनको किसी तरह से रोकता जोकता नहीं है बंदा ये। ठीक है, एक तरह से क्या, ये स्वतंत्र है,
ये जिम्मेदारी मुक्त है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो आपको क्या क्या जिम्मेदारी देके एक से स्वतंत्र हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप के बारे में। तो ये जो आपका लीडरशिप है बहुत प्यारा लीडरशिप है। इसमें क्या है, जो आपका लीडर होता है ना, इसका जो लीडर होता है वो पेरेंट्स की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है, आपके मम्मी पापा की तरह काम करता है बिहेवियर। और जो इसके नीचे वर्कर है या जो इसके नीचे फॉलोअर है, उनको अपने बच्चे की तरह मानता है। किसके तरह मानता है, चाइल्ड, अपने बच्चों की तरह मानता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो पैटर्नलिस्टिक जो लीडर है ये पेरेंट्स की तरह होते हैं, और जो वर्कर होते हैं वो उसके चाइल्ड, उसके बच्चे की तरह होता है। यानी कि जो इसका लीडर होता है वो क्या करता है, अपने नीचे के जो भी फॉलोअर है उनकी फुल्ली केयर करता है। क्या करता है, फुल्ली केयर करता है। उनको क्या चाहिए, वो आगे कैसे बढ़े, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें टाइम टाइम पे मोटिवेट करना चाहिए, क्या चीज है। हाँ, कभी कभी पेपर आपसे ये पूछ लेता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है, वो भी आपका फुल केयर तो करता है, पर जो उसका लीडर होता है ना वो पेरेंट्स की तरह नहीं होता। और फोर आपके फ्रेंड की तरह हो सकता है, आपके मोहल्ले वाले की तरफ हो सकता है, पर वो पेरेंट्स की तरफ नहीं होता। वो भी आपको फुल केयर करता है अपने फॉलोअर को। पर इसमें अलग खास बात ये है कि इसका जो लीडर है वो आपके पेरेंट्स की तरह होता है, फुल्ली केयर होता है। क्लियर है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ऑटो क्रेडिट आप दूर मत जाओ, अपने ऊपर लो। आपको याद कैसे करना है, अपने ऊपर लो। आप जब छोटे थे, जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, तो आपने मम्मी पापा से बोल दिया कि मम्मी मुझे खिलौना चाहिए, आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए, आपको चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप अपने डिसीजन पे बिल्कुल अटल हो, अपने नीचे वाले से कोई डिसीजन पूछ नहीं रहे हो। तो आप किस में आ गए, ऑटो क्रेडिट में आ गए। ठीक है, आपकी एज थोड़ी सी बढ़ गई, आपकी एज थोड़ी सी बढ़ गई। आप कितने साल के हो गए, करीब आप मान लो 25-26 साल के हो गए, और आपको शादी की आपकी एज हो गई। ठीक है, तो कोई भी आप डिसीजन लोगे तो आप अपने घर वाले से पूछ के लोगे कि पापा कि मुझे पढ़ाई आगे करनी है, क्या करना है, मुझे जॉब करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो एक तरह से क्या करोगे, अपने घर वालों से डिस्कस करोगे। यहाँ पे डिसीजन आपने खुद लिया, यहाँ पे अपने डिसीजन अपने घर वाले से पूछ के लिया, तो आपका हो गया डेमोक्रेटिक। अब तीसरा देखते हैं लाइजेस्ट फेयर, आपकी शादी हो गई। ठीक है, आपकी शादी हो गई तो आपकी बीबी ने क्या किया, एक मैसेज आपको दे दिया कि हस्बैंड जी आपको ये काम करना है। उसने वो मैसेज देख के बिल्कुल स्वतंत्र हो गया आपकी बीबी। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, आपके हेडेक है वो। उसने क्या किया, अपने मैसेज को आपके डिलीवर कर दिया, आपको बता दिया अब आपको कैसे लेना है, क्या चीज करना है, आपके ऊपर हैंडल है। तो ये किसमें आता है, आपका लाइजेस्ट फेयर में आ गया। अब पैटर्नलिस्टिक में क्या है, आपके मम्मी पापा आपको एक तरह से बहुत मोटिवेट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको फुल्ली केयर करते हैं। तो आपका किसमें आ गया, पैटर्नलिस्टिक में। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ हमारे लीडरशिप होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं लीडरशिप कौन कौन से हैं। तो आपका हो गया ट्रांसैक्शन लीडरशिप, ट्रांसैक्शन लीडरशिप। दूसरा आपका है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तीसरा आपका है करिश्मेटिक लीडरशिप। और चौथा आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, विजनरी लीडरशिप। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं ट्रांसैक्शन लीडरशिप में क्या होता है। आपके सामने, जब आपके सामने दो चीज लिखा है, क्या, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रही है, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके लीडर होते हैं ना वो कंपनी में रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, आपको टारगेट देते हैं करने के लिए। ठीक है, जब आपने वो टारगेट प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया, मतलब जो उसने टारगेट दिया था कंपनी ने, अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आपको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। हाँ, पर अगर आपने वो टारगेट कंप्लीट नहीं किया, आपने कुछ गलत कर दिया, तो आपको पनिशमेंट देने में बिल्कुल चूक नहीं करेंगे वो। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि रिवॉर्ड देने में कुछ टाइम लगा, पर पनिशमेंट देने में बिल्कुल चूक नहीं करेंगे वो। तो ये लीडरशिप किसमें आता है आपका, ये आता है आपका ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में। वो एक तरह से उन्होंने, एक तरह से क्या कर दिया उन्होंने, कुछ एक तरह से सिस्टम बना दिया उन्होंने। वो चाहेंगे कि आप उनके सिस्टम को फॉलो अप करो, उनके सिस्टम को मानो, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी का एक तरह से पालन करो। ठीक है, और साथ ही जो उन्होंने आपको टारगेट दिया, जो चीज दिया आपको करने के लिए, आप उस चीज को टाइम के साथ उसको एक तरह से करके दो। हाँ, अगर आपने नहीं किया
तो आपको कंपनी से निकालने में, आपको पनिशमेंट देने में बिल्कुल भी वो चूक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, जब भी आपके सामने आए रिवॉर्ड और पनिशमेंट तो आपको कुछ नहीं सोचना, सीधे आप किसके साथ जाओगे, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप के साथ जाओगे, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, अगर काम आप अच्छे से करते हो तो आपको अवार्ड देंगे, पर अगर काम आप अच्छे से नहीं दोगे तो ये चीज करने में बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे वो, ठीक है। आपको याद रखना है, जब ये चीज गलती किया आपने तो आपको बिल्कुल भी बाहर निकालने के लिए बिल्कुल भी से चूक नहीं करेंगे वो, क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं, अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बहुत बेस्ट लीडरशिप होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको कौन सा लीडरशिप, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप, बिल्कुल ये लीडरशिप भी आपके वैसे ही होते हैं। उसमें क्या था, उसमें जो लीडर था अपने फॉलोअर के, जो आपके वर्कर थे उनकी फुल्ली केयर करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी अपने नीचे वाले की फुल्ली केयर करते हैं। हाँ, हल्का सा दोनों में अंतर ये होता है कि जो आपका पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप था वो, उसमें क्या था, जो लीडर था वो एक पेरेंट्स की तरह केयर करता है। किसकी तरह केयर करता है, पेरेंट्स की तरह करता है। पर ये जो है ट्रांसफॉर्मेशनल, आपके फ्रेंड की तरह केयर कर सकता होगा, आपके टीचर की तरह केयर कर सकता होगा, आपके जो बॉस है उनके तरफ कर सकता है। पर ये भी क्या करते हैं, अपने नीचे वर्कर हैं, जो इनके नीचे फॉलोवर है उनकी क्या करते हैं, फुल्ली केयर करते हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए, उनको टाइम टाइम पर मोटिवेट करेंगे, क्या करेंगे, उनको टाइम टाइम पर मोटिवेट करेंगे, ठीक है। मोटिवेट करने के साथ उनको किस टाइम पे, जैसे सपोज करो कि इस लीडर ने आपको कोई काम दे दिया, तो उस काम करने के लिए आप थोड़े से क्या कर रहे हो, अपना एफर्ट नहीं दिखा रहे हो, तो आपको मोटिवेट करेंगे, क्या करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको इंस्पायरिंग करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको गाइड करेंगे कि आप अपने टारगेट को कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो देखा जाए तो बेस्ट आपका लीडरशिप होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो होता है ना, आपको टारगेट देंगे और टारगेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको एक तरह से एफर्ट दिखाएंगे, आपको एक सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं करिश्मेटिक लीडरशिप के बारे में। तो ये लीडरशिप बहुत बेस्ट होता है, क्यों, हाँ ये लीडरशिप बहुत बेस्ट होता है, जैसे आपको नाम से दिख रहा है करिश्मेटिक। ये अपने कम्युनिकेशन से, ये अपने पर्सनालिटी से, ये अपने बिहेवियर से, जो नीचे जो फॉलोअर होते हैं उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैंने क्या बताया, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपना है मोदी है, ठीक है, तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, हमें पता चल जाता है कि वो क्या करने वाले हैं, हम अपने आप ही मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, ठीक है, उनका बिहेवियर ऐसा है, उनका कम्युनिकेशन इतना बेस्ट है कि इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ये सीधे आपके सामने अगर आएंगे तो आप इन्हें देख के एक तरह से मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इनकी जो वॉइस होती है, इनका जो स्पीच होता है, इनका जो प्रिंसिपल होता है, इनका जो कम्युनिकेशन होता है, इनकी जो पर्सनालिटी होती है, इनकी जो बिहेवियर होता है, आप इनसे ही मोटिवेट हो जाते हो, इनसे इतने प्रेरित हो जाते हो कि आप अपने काम करने के लिए बिल्कुल एक तरह से एनर्जी फुल हो जाते हो। ऐसा लगता है जब आपके सामने खड़े होते हैं ना, ये लीडर जब आपके सामने खड़ा होता है, इसकी पर्सनालिटी इतनी गजब की होती है, इसकी बिहेवियर इतना गजब का होता है, इसका जो विजन होता है इतना गजब का होता है, और इसका जो कम्युनिकेशन होता है ना बेस्ट होता है, कि आप अपने आप ही मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हो, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्यों, ये आपके लीडर ही ऐसे होते हैं। हाँ, पर इस लीडर की एक तरह से ड्रॉबैक ये है कि ये अपने वर्कर, अपने फॉलोअर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। ये किसके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में, कि मैं अपने स्पीच को बेस्ट कैसे करूं, मैं अपने पर्सनालिटी को बेस्ट कैसे करूं, मैं अपने कम्युनिकेशन को बेस्ट कैसे करूं। ये इसलिए बेस्ट करना चाहते हैं, क्यों, कि इनके इनका जो है, इनके अंदर जो पावर है, इनके अंदर जो क्वालिटी है जिससे दूसरों को मोटिवेट करते हैं, वही तो है इनका कम्युनिकेशन है, इनका इनकी पर्सनालिटी है, इनका विजन है, इनका स्पीच है। तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ये फॉलोअर पे, अपने वर्कर पे कम फोकस करते हैं, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं विजनरी लीडरशिप। तो विजनरी लीडरशिप यहाँ पे देखो, ये लीडर बहुत अच्छा लीडर होता है, इसको ये पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चीज होने वाली है, ठीक है, यानी कि ये फ्यूचर देखता है। ये लीडर क्या करता है, एक तरह से फ्यूचर देखता है, और फ्यूचर में क्या होने वाला है अपने वर्कर को बताता है, जिससे वो अपने कंपनी में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने जिंदगी में उसको यूज करके अपने लाइफ को एक तरह से अच्छा डायरेक्शन दे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये फ्यूचर देख रहा, विजन मतलब होता है कि फ्यूचर देखना। इस पे एक मूवी बनी थी,
कल किसने देखा है, शायद आपको किसी ने नहीं देखा होगा तो उस मूवी के जाके देखो, कल किसने देखा है। एक तरह से जो उसमें आपका हीरो है ना, वो भी एक तरह से विजन है, एक तरह से वो फ्यूचर देखता है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इसका लीडर होता है ना, एक तरह से जो मार्केट में जो हिडन है, जो मार्केट में कुछ बातें ऐसी है जो छुपी हुई है, क्या है, हिडन है, उस बात को ये खोज के बाहर निकालता है, उसको अपने कंपनी में लगाता है, जिसकी इसकी कंपनी बहुत प्रॉफिट करती है और गेन करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो लीडर होता है ना आपका, जो बिजनेस लीडर होता है, ये देख लेता है कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, लोगों का मेन एक तरह से जो हाँ जो मार्केट में जो लोग हैं उनकी आने वाले फ्यूचर में क्या डिमांड है, एक तरह से विजन करता है, फ्यूचर देखता है कि मार्केट में क्या चीज हिडन है, मार्केट में आने वाले टाइम में किस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा और किस चीज का रिक्वायरमेंट बहुत कम होगा। एक तरह से ये बंदा क्या करता है, फ्यूचर देखता है और इस फ्यूचर को अपने इम्प्लॉय को, अपने वर्कर को बताता है, जिसके वो चीज अपने लाइफ में यूज करके एक सक्सेसफुल आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक विजन क्या होता है, एक तरह से आइडिया लगाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको अपने वर्कर को उसने बता दिया, ठीक है। और उसको लास्ट में क्या करता है, एक्शन लेता है, जिससे वो एक तरह से उसका जो विजन है कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। तो यहां तक क्लियर। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम को जो कम करने के जो तरीके होते हैं ना, हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोई क्या करता है, सो के अपना स्ट्रेस को दूर करता है, कोई खा पी के करता है, कोई एक्सरसाइज करके करता है, ठीक है, कोई टाइम को मैनेजमेंट करके भी अपने स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है। कोई अपने क्या करता है, सोशल नेटवर्किंग जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक का सहारा लेके अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही बताया गया, कुछ अपने ये पप्पी के साथ, कोई एक्सरसाइज करके, कोई गाना सुन के, कोई रिलैक्स हो गए, कोई एक्सरसाइज करके अपने स्ट्रेस को क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो हमारे स्ट्रेस होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो ऐसे तो आपके स्ट्रेस बहुत टाइप के होते हैं, पर आपके अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि एपीए ने कहा कि जो हमारे स्ट्रेस होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक्यूट स्ट्रेस, दूसरा आपका एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस और तीसरा आपका क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस में क्या होता है आपको, कि ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, कुछ टाइम के लिए आता है, आपके 1 घंटे के लिए हो गया, 1 दिन के लिए हो गया, 2-4 घंटे के लिए हो गया, ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आता है। जैसे अभी आप जा रहे हो, ठीक है, आपको ये लगेगा कि मैं किसी घर जा रहा हूँ, वहां का रिएक्शन क्या हुआ, मेरे दोस्त है मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी का, ठीक है, तो उसके बारे में आप सोचने लग जाते हो, ठीक है। तो अब किसमें आता है आपका, एक्यूट स्ट्रेस में आता है, या फिर आपका कल पेपर है तो उसके बारे में सोचते हो, यार पेपर कैसे होगा, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, तो आपको किसमें आता है, एक्यूट स्ट्रेस में आता है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या मेंशन है, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, यानी कि ये चीज यहाँ भी इन्वॉल्व है ना, ये चीज आपका अलग से आया, यानी कि ये प्रॉब्लम जब आपके जिंदगी में बार बार आना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे तो कुछ टाइम के लिए आया, पर ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आज भी आ गया, कल भी आ गया, परसों भी आ गया, यानी कि अगर पेपर आपका 1 महीने लगातार हो जाए तो आप क्या करते हो, एक तरह से रोज आप प्रॉब्लम में घिरे रहोगे, आप एक तरह से रोज स्ट्रेस महसूस करोगे। क्यों, पेपर तो आपका 1 दिन में खत्म नहीं हो रहा, पेपर आपका 15 दिन में खत्म होगा, तो ये प्रॉब्लम कितने दिन चल रही है आपकी, ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में 15 दिन चलेगी, यानी कि ये प्रॉब्लम क्या हो रहा, बार बार आपके लाइफ में रिपीट हो रहा। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा, जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है ना, कि एक प्रॉब्लम दूर नहीं होता कि दूसरा प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ जाता है बार 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 बार, एक तरह से उनको बीपी लो हो जाता है और भी सोचने लगते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम किसमें आता है आपका, एपिसोडिक में आता है। अब तीसरे बात करते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। अभी फिलहाल में क्या हुआ, फिलहाल में अभी ये हुआ कि जो सुशांत सिंह है, क्या सुशांत सिंह जो अभी जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो एक तरह से किसमें थे वो, आपके क्रॉनिक स्ट्रेस में थे। इस स्टेज में जाके ये लगता है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, उन्हें लगता है कि मैं इस दुनिया से मैं हार चुका हूँ, अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं प्रॉब्लम से इतना घिर चुका हूँ कि मेरे प्रॉब्लम को दूर करने का कोई सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। एक तो ये होता है, साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी दर्द होने लगता है, उनके एक तरह से चक्कर आने लगते हैं, हार्ट अटैक होने लगता है, इस तरह से जो प्रॉब्लम आती है किसमें आता है आपका, क्रॉनिक स्ट्रेस में आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आपको, जब आपके सामने पेपर बार बार आने लगे,
आप एक से प्रॉब्लम को बार बार सोचना स्टार्ट कर दो, यानी कि एक प्रॉब्लम बार 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 आपके लाइफ में आ रहा है, तो क्या होता है आपका एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस होता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको पता है कि आप किसी भी काम को कर रहे हो, अगर आपको काम को सही टाइम पे करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको कब पढ़ाई करना है, आपको कब सोना है, आपको कब लेक्चर लेना है, कब आपको घूमना है, कब खेलना है। ठीक है, तो जब आप एक तरह से प्लानिंग करके करते हो ना, तो यहाँ पे किसमें आता है, ये आपका आता है टाइम मैनेजमेंट में। ये आपके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट होता है कि इस टाइम को आपको, जैसे आपको पता है ना कि आपने हाई स्कूल इतने साल में किया, 12वीं अपने इतने साल में किया, एक तरह से टाइम ही तो है आपका, ऐसे तो 40 साल में जाके 10वीं कर रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं आपका। ठीक है, अभी आपका CITS है, एग्जाम है आपका, तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो कि आपको थ्योरी कब पढ़नी है, POT कब पढ़ना है, आपको मैथ कब पढ़ना है, ED कब पढ़ना है। ठीक है, तो आप इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हो। क्लियर है? तो ये सबसे लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, क्वांटम कॉन्शियसनेस, यानी कि जो हमारा गुणवत्ता चेतना होता है ना, तो ये क्या होता है। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि हम क्वालिटी कॉन्शियसनेस में हम क्या यूज करते हैं, तो हम वहां पे यूज करते हैं 3A। क्या यूज करते हैं? 3A। तो कभी भी आपसे इससे आपका नाम भी पूछ लेता है कि ए का नाम क्या है, तो आपका पहला आपका अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, दूसरे ए का नाम आपका अलिजमेंट यानी कि आपका संरेखण संरेखण, और तीसरा आपका अटेंशन ध्यान। ये चीज अगर आपने अपनी क्वालिटी में लगाया ना भाई, तो आपकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। किसी जो आप मटेरियल बना रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो, अगर आप वहां पर 3A फॉलो अप करते हो, तो आपकी क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा, इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसके बाद हमने देखा लीडर कौन होते हैं, लीडर के टाइप क्या क्या होता है। ठीक है, हमारे बेसिक कौन से थे, बेसिक हमारे 4 थे, कौन कौन से थे आपके, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर और पैटर्नलिस्टिक। इसके अलावा भी कुछ अलग से लीडरशिप है हमारा, कौन सा होगा, ट्रांसैक्शन लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, उसके बाद आपका था विजनरी लीडरशिप, और उसके बाद जो आपका लास्ट था वो था आपका करिश्मेटिक लीडरशिप। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लीडरशिप क्या है, तो मैंने आपको बताया लीडरशिप क्या होता है, जो आपके जो सिचुएशन आपकी वेरिएबल है तो उसको एक तरह से गाइड करता है, मोटिवेट करता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका इंटरप्रेन्योरशिप क्या डेवलप करता है, तो मैंने आपको बताया जो आपका इंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एक तो आपका पर्पसफुल एक्टिविटी होता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस को डेवलप करता है, और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को गेन भी करता है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी कि पर्पसफुल एक्टिविटी टू स्टार्ट डेवलप ए प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका कि ऑटो ऑटोरिटेरियन या फिर ऑटो क्रेडिट लीडरशिप कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया ऑटो क्रेडिट, जब आप छोटे थे तो आपने जो डिमांड कर दिया वो डिमांड पूरा होना चाहिए, यानी कि जो आपके नीचे हैं उनका फुल्ली कंट्रोल, मैंने बताया था, जबकि आपके सामने ऑटो क्रेडिट आया यानी कि क्लोज कंट्रोल या फिर स्ट्रिक्ट आए ना, तो आप हमेशा ऑटो क्रेडिट के साथ जाओगे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हो, ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लीडरशिप है, यानी जो आपका लीडर है किसके तरह, पेरेंट्स की तरफ है, जो वर्कर है किसके तरफ है, आपके चाइल्ड की तरफ है, तो किसमें आएगा आपका, पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप में आ जाएगा ना इसका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपके जो लीडर है उनके बीच में क्या हो रहा है, तो ग्रुप ग्रुप में बात हो रहा है, ग्रुप में उनसे क्या हो रहा है, डिस्कस हो रहा है। तो जब से आपको ये बताया जब ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो किसमें आता है आपका, इंटरपर्सनल में आता है, किसमें आता है आपका, इंटरपर्सनल में आता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हो, अगला क्वेश्चन ये आपका ट्रांसैक्शनल टाइप लीडरशिप कौन सा होते हैं, तो मैंने आपको बताया जब भी आपके ट्रांसैक्शनल लीडरशिप आए, ठीक है, ट्रांसैक्शनल सेक्शनल के बारे में बात कर रहा, जबकि आपके सामने आया क्या रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आप हमेशा जाओ किसके साथ, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे आता ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, तो वो भी आपका फुल्ली केयर तो करते हैं, पर किसके, पेरेंट्स की तरह नहीं करते आपके, वो भी फुल्ली केयर करते हैं आपके फॉलोअर का, ये आपके ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। आप अच्छा करोगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपने गलत किया तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट फेल लीडरशिप क्या होता है,
तो लाइजेस्ट फेयर्स लीडरशिप में जो होते हो, नीचे के जो वर्कर होते हैं, आप उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिखाते हो, आप एक मैसेज देने का जरिया हो, तो इसमें किसमें आ रहा है आपको? यहाँ पे देखो नो डायरेक्शन, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन है जो आपके पोटेंशियल को आपके रियलिटी में कन्वर्ट करता है? क्या वो लीडर होता है, क्या वो लीडरशिप होता है, क्या स्किल डेवलपमेंट होता है, या कंप्लीट? तो जो एक लीडरशिप ही जो होता है कि आपके पोटेंशियल को आपके रियलिटी में कन्वर्ट करता है, तो आपका हो गया लीडरशिप। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि आपके एक्टिविटी के कौन से एग्जांपल है। तो एक्टिविटी के एग्जांपल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्टिविटी मतलब आप एक ऐसी फिनोमिना जिससे आप कुछ नया करना चाहते हो, और जो आप नया कर रहे हो क्या कैसे होनी चाहिए, आपकी फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10। हाँ 9 हो गया था हमारा, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे ये कहा गया कि स्किल डेवलप या फिर नॉलेज डेवलप करने के लिए क्या चीज होता है, तो हम ये करते हैं लर्निंग प्रोसेस द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? हम इसे करते हैं लर्निंग प्रोसेस द्वारा। 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैटर्नलिस्टिक टाइप लीडरशिप कौन से होते हैं। तो मैंने बताया जो आपके पेरेंट्स होते हैं ना, वो किसमें आते हैं? आपके पैटर्न लिस्टिक पे आते हैं। किसमें आते हैं? आपके पैटर्न लिस्टिक के लीडरशिप में आते हैं। ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद क्या करते हैं। तो ये हो गया आपका, क्या हो? तो मैंने आपको बताया पैटर्न लिस्टिक लीडरशिप कैसे होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपने जो नीचे लोग हैं उनको क्या करते हैं, एक तरह से फुल्ली कंट्रोल करते हैं। फुल्ली कंट्रोल नहीं करते, उनकी फुल्ली केयर करते हैं। तो जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी कंप्लीट केयर कर रहे हैं, तो किसमें आएगा ये? आपका पैटर्न लिस्टिक में आएगा। हाँ, पर यहाँ पे अगर होता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, तो बस ये आपका क्या आता, फादर नहीं आता बिल्कुल। जितने भी आपके नीचे कंप्लीट केयर आता है उसमें, बस आपके पेरेंट्स नहीं आते इसमें। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप। डेमोक्रेटिक में बताया जब भी आपके सामने आ जाए डिसीजन मेकिंग, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सीधे उसको क्लिक कर देना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपका है कि एथिक में क्या इंक्लूड होता है। तो एथिक मतलब होता है आप किसी चीज को अच्छे से करो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखते हैं आपके एक्टिविटी कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेस। मैंने अभी बताया आपको जो आपके स्ट्रेस है, तो आपको किससे कंट्रोल करते हो, अभी बताया आप गाना सुन करते हो, आप मूवी देख के करते हो, आप घूम के करते हो, आप रिलैक्स होकर करते हो। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी क्या आपका प्रैक्टिकल है, प्रिंसिपल है, थ्योरी है, या फिर साइंस है? तो टेक्नोलॉजी क्या आता है आपका प्रैक्टिकल है। क्या है? प्रैक्टिकल है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो।